नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत बीडीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। आदाब नाजरीन, बीडीएस न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवेजी की जानिब से असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का नाम ऐलान होने के साथ ही उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज हो गया। आज 4 नवंबर बरोज़े हफ्ता को असेंबली हलके याकुतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने याकुतपुरा हलके के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। जाफर हुसैन मेराज की पदयात्रा का आगाज याकुतपुरा बड़ा बाजार से हुआ और चंद्रा नगर याकुतपुरा पर अख्तिताम पर पहुँचा। जाफर हुसैन मेराज अपनी पदयात्रा के दौरान आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए और AIMIM पार्टी को वोट देने की दरख्वास्त की। याकुतपुरा हलके की आवाम ने जाफर हुसैन मेराज का ढोल ताशे आतिशबाजी और फूलों के साथ गुलपोशी और शालपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया और अपनी खुशी का इजहार करते हुए AIMIM पार्टी की हिमायत करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज के हमरा याकुतपुरा यूथ आइकन और इंचार्ज यासिर अरफात, रैन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासेउद्दीन और दीगर पार्टी कॉरपोरेटर्स, लीडर्स और पार्टी एक्टिव मेंबर्स के अलावा आवाम की कसीर तदाद मौजूद थी। आइए देखते हैं BTS न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद नज़ीर की ये खसूसी रिपोर्ट में चंचल किया। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए BTS न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। उनका भी वाराणसी संपर्क किया जाता है। और सामने डाल दो बेटा, सबको बोला सलाम बोलिए। आप कैसे जा रहे हैं?
इधर आओ क्या परसेंटेज बढ़ाना है भाई, ग्रुप फोटो ले लेंगे, खुल जाओ थोड़ा 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 जा दो पूरे आधे से ही। चलिए चलिए आइए, तुम लोगों को बोलना क्या है? चलिए मुख्तार करो यार। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS News, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।